हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम करियर प्रभा में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त लिन लाइश्रम। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी नैप्स भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से देश के युवाओं को लर्निंग विद वर्किंग का माहौल दिया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में ये स्कीम लागू है। नैप्स पर बेस्ड है आज का हमारा ये एपिसोड, तो शुरुआत करते हैं हाईलाइट से। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम से स्किल इंडिया मिशन को मिल रहा है बढ़ावा। केंद्र सरकार नैप्स को कर रही है प्रोत्साहित। नैप्स के ऑन जॉब ट्रेनिंग से युवा सीख रहे हैं काम करने का तरीका। देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के बाद कहां-कहां हैं अपॉर्चुनिटीज। अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड मिलने से युवाओं में बढ़ रही है रुचि। अंत में देखिए अप्रेंटिसशिप के बाद युवा खुद के कारोबार की तरफ दिखा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह हमें अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए घर के बड़े लोगों के गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में नैप्स जैसी स्कीम्स की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट के कई युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में नैप्स अहम भूमिका निभा रहा है। जानने के लिए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट हुनर है ज़रूरी। आज हम आपके इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसी स्कीम की जिसमें हुनर सीखने के साथ आपको पैसे भी मिलते हैं। जी हां, भारत सरकार की ऐसी ही एक खास योजना है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसमें स्टाइपेंड भी दिया जाता है। जब भी आप कोई अप्रेंटिस की भर्ती देखते हैं तो मन में सबसे पहला सवाल आता होगा कि ये अप्रेंटिस क्या है, अप्रेंटिसशिप की जरूरत क्या है और इससे युवाओं को क्या फायदा होता है, इसे कैसे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के बारे में। अप्रेंटिसशिप एक खास तरह की ट्रेनिंग अरेंजमेंट है जिसमें युवाओं को नौकरी के सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम DGT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग की देखरेख में चलाए जा रहे हैं। इम्प्लीमेंट ढंग से कर सकें, इसलिए DGT ने अपने 9 अलग अलग जगह पर ऑफिस खोले हैं, जिनको हम रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। और इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो डायरेक्टरेट हैं, इनके भी जो लिए स्टेट्स बांटे गए हैं कि किस किस स्टेट के अंदर अपना कार्य देखेंगे। इसके अलावा जो RDT हैं वो थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स, जो कि अप्रेंटिसशिप और कंपनीज के बीच में एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं, और बेसिक ट्रेनिंग सेंटर हैं उनका चेकिंग करना कि वो कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सारे जो कार्य हैं ये रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देखता है। इसके तहत युवाओं को किसी गवर्नमेंट ऑफिस या किसी इंडस्ट्री में ग्राउंड लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हम 2 तरह की ट्रेनिंग देते हैं, एक होता है ऑन जॉब और एक होता है टेक्निकल। ऑन जॉब में हम जो ऑन द प्रोसेस हम प्रैक्टिकली शो करते हैं कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, कैसे क्वालिटी को चेक करना है, ये होता है प्रोसेस के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दूसरा है ट्रेनिंग जो हम TNI से करते हैं, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन से हम एक स्पेसिफिक स्किल सेट मैच करते हैं और जो हमारे टारगेट के साथ उनका मिसमैच होता है, जो डिफरेंस होता है स्किल्स में, उनकी हम ट्रेनिंग देते हैं। अप्रेंटिसशिप एक डुअल ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी OJT और एकेडमिक करिकुलम दोनों का नॉलेज एक साथ मिलता है। इसकी वजह से अप्रेंटिसशिप करने वाले यूथ सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों तरह से सीखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओं के लिए 5000 से लेकर 9000 रुपए तक का स्टाइपेंड तय कर दिया है। अप्रेंटिसशिप एक्ट में कई प्रकार के बदलाव सुनिश्चित किए। छोटी कंपनियां जिनको 6 से 8 आदमियों से अपना उद्यम शुरू करती हैं, उनको अप्रेंटिसशिप रखने का अधिकार नहीं था, उन्हें भी अधिकार दिया। और बड़ी कंपनियों को जैसे हम बताते थे कि इसमें अप्रेंटिसशिप आप प्रदान करिए, उसकी जगह उनको भी अवसर दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अप्रेंटिसशिप इन्वाइट करिए। जो कक्षा 5 से 8 ड्रॉप आउट, उसको अब तक 1500, 1600, 1700 रुपये तक की मिलती थी। आज के ज़माने में हमने बेसिक ही कर दिया कि 5000 रुपये मिलेंगे ऐसे अप्रेंटिस को। इसी तरह से 10th लेवल का तक का 6000, उससे ऊपर 7000, 8000, इस तरह करके हमने ग्रेजुएशन लेवल तक का अगर कोई ऐसा है अप्रेंटिसशिप उस डिप्लोमाधारी है, पॉलीटेक्निक करके अप्रेंटिसशिप ले रहा है, ऐसे 9,000 रुपये तक के उसको स्टाइपेंड मिलेगा और उसमें 2 बरस तक का अप्रेंटिसशिप करने का प्रावधान था। हमने उसकी अवधि भी बढ़ा दी कि अब 3 बरस तक, कोई आदमी 3 बरस तक अप्रेंटिसशिप का करेगा तो अपने आप वो फुल्ली ट्रेंड और कैपेबल हो जाएगा और रोजगार उसकी सुनिश्चित हो जाएगी। जो छात्र इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा कर चुके हैं या प्लस 2 या ITI के फाइनल ईयर में हैं, तो आप सरकार द्वारा या प्राइवेट सेक्टर में निकाली गई अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 16 इयर्स होना जरूरी है। इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट फिक्स्ड नहीं है। अप्रेंटिसशिप के लिए यंगस्टर्स को इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो देखा आपने अप्रेंटिसशिप क्यों जरूरी है। आइए अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट हुनर से तरक्की की ओर। इसमें हम जानेंगे नैप्स आपके सपने को साकार करने में कैसे मददगार हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की कंपनीज में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में युवा काम कर रहे हैं। इससे इनको 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। वो है पहला, उनका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरा, कंपनी के माहौल में काम करने का मौका मिल रहा है। ये पॉसिबल हुआ है नैप्स के वजह से। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये सेगमेंट। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी नैप्स, ये एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत यूथ को स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ वर्किंग माहौल भी दिया जाता है। आइए देखते हैं। हुनर तरक्की की राह खोलता है, लेकिन उसका सर्टिफिकेशन आपके लिए अपने काम में परफेक्ट होने का सबूत है। हुनर के साथ सर्टिफिकेट हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में बदलाव करते हुए इसे और इफेक्टिव बनाया है। इस स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग देकर लगातार हुनरमंद बनाया जा रहा है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग ही आपको जो है असली हुनर दे सकता है, क्योंकि वो काम करने के बाद वो जो है इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो प्रोडक्शन देने में हेल्प करता है। और ये भी देखा गया है कि मान लीजिए जैसे जो है वो ट्रेनिंग, वो वर्कर नहीं है, तो वर्कर के कोई भी एक्ट उस पर लागू नहीं होता। तो क्या होता है ना कि जो इंडस्ट्री उनको ट्रेनिंग देने के लिए लगाती है, 2-3 महीने के बाद ये देखा गया कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाती है, कुछ ना कुछ वो जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इंडस्ट्री के अंदर एडवांटेज में ये होता है, ना तो उसको PF देने की ज़रूरत है, ना उसको बोनस देने की ज़रूरत होती है, ना ही उसको ओवर टाइम देने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी सेविंग होने के बावजूद भी, और जो भी सैलरी मान लीजिए एक सेमी स्किल्ड वर्कर को दिया जाता है, तो ये देखा जाए तो अप्रेंटिस में एक इंडस्ट्री को काफ़ी सस्ता पड़ जाता है और उनमें उनको ये हाथ भी मिल जाते हैं। और इनमें कोई ज़रूरी नहीं है जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग किसी एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद वहीं पे उसको एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है। लेकिन ये आप समझिए, एक बार जब वो ट्रेनिंग कर लेता है तो उसके अंदर ये हुनर आ जाती है कि उसी तरीके के इकोसिस्टम में कहीं और उसको जॉब जो है मिल सकता है। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में रिकॉग्नाइज है। एक बहुत ही पुख्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्किल डेवलपमेंट। दुनिया के कई मुल्कों में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लागू है। भारत की इतनी बड़ी संख्या में युवा आबादी को देखते हुए इसे बहुत ही गंभीरता से लागू किया गया है। नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड पर तैयार इस जॉब रोल में युवाओं को भविष्य की जरूरतों और करंट डिमांड्स को लेकर ट्रेनिंग दी जाती है। इस योजना के तहत ट्रेनिंग पूरा होने के बाद कैंडिडेट को भारत सरकार द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए ऑफिशियल पोर्टल www.apprenticeship.gov.in पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग जॉब रोल के लिए इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की व्यवस्था है। We have developed separate, हमने एक अलग पोर्टल बनाया है जिसका वेब एड्रेस है www.apprenticeship.gov.in, जहां कैंडिडेट खुद को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और ट्रेड्स व साथ ही साथ कंपनियों का चुनाव भी खुद कर सकते हैं। इसी तरह कंपनियां भी पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकती हैं कि कितनी सीट्स उनके पास किस ट्रेड में अवेलेबल हैं। इस तरह ये पूरी प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। पोर्टल के चलते रीजनल डायरेक्टरेट ट्रेनिंग्स को भी Also, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल और पेमेंट अप्रूवल व स्टाइपेंड पे करना आसान हो गया है। reimbursement of stipend paid by the establishment to the candidates or apprentices। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत सरकार का टारगेट 2020 तक 50 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देना है। इसमें अधिक से अधिक इंडस्ट्री पार्टनर साथ आएं, इसके लिए इंडस्ट्री को भी स्टाइपेंड दिए जाने का प्रोविजन किया गया है। युवाओं की भी दिलचस्पी ट्रेनिंग में बनी रहे, इसके लिए उन्हें भी एक स्टाइपेंड दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने अगला सेगमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, जहां हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि नैप्स के और क्या फायदे हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम से जुड़े रोजगार के अवसरों पर। इस ऑन द जॉब ट्रेनिंग का फायदा युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। ये एक ऐसी ट्रेनिंग व्यवस्था है जिसमें युवाओं के लिए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर खुलते हैं। जो PSUs है, पर्टिकुलरली ऑयल, दुलियाजान डिगबॉय, IOC डिगबॉय, देन IOC गुवाहाटी रिफाइनरी, NF रेलवे, अभी रिसेंटली उन लोग अभी हमारे से 300 अप्रेंटिसेस मांगे हैं। Then we have Bongaigaon Refinery Petrochemicals. Then another largest employer of apprentices is the Numaligarh Refinery Limited, जो बहुत ही one of the biggest refineries in the country है। अभी अपर असम मेनली लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है अप्रेंटिसेस का, क्योंकि वहाँ PSUs ज़्यादा सिटुएटेड है। Then we have Brahmaputra Cracker Polymer Limited, the gas cracker plant that has come up at Dibrugarh. That is also our largest employer. और ये PSUs अभी हम लोग के साथ they are working hand in hand with us in also upgrading the ITS। इस स्कीम के तहत हुनरमंद हुए युवाओं को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता है। आमतौर पर इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही कैंडिडेट्स होते हैं। जब कोई यंगस्टर ट्रेनिंग हासिल करता है तो कई बार उसे वही नौकरी मिल जाती है। वेतन कंपनी, काम के स्वरूप तथा क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसमें शुरुआत में आमतौर पर 8 से 10 हजार रुपए की सैलरी मिलती है। जॉब मिलने में आसानी तो होता ही है, क्योंकि वो एक बच्चा जो बेसिक स्किल ट्रेनिंग पढ़ के वो ITI सर्टिफिकेट उसको मिलता है, NTC। और ये भी हम लोग का कॉन्सेप्ट सबको है जो स्किल ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं कि वी कैनॉट ब्रिंग इंडस्ट्रीज टू ITIs इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इंडस्ट्री लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये ITI बच्चों को हम लोग उन लोग को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है और इसमें मीडियम एंड स्मॉल लेवल की इंडस्ट्री से भी काम शुरू कर सकते हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में बहुत अधिक वैरायटी है। रेलवे, ONGC, IOCL आदि में अप्रेंटिस की भर्ती निकलती रहती है। इसमें आमतौर पर कई वैकेंसियां तो केवल अप्रेंटिसशिप किए हुए लोगों के लिए होती हैं, जिसके कारण उन्हें अधिक कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की मांग टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल फील्ड में बढ़ रही है। फॉर असम और नॉर्थ ईस्ट वी हैव एन यूनिक एडवांटेज ऑफ हैविंग the largest English speaking youth in the country, and our young youths are traditionally groomed to be employable in the service sector. So in the service sector, for this service sector we need, हम लोग को ये चाहिए कि जो establishments के लिए ये apprentices के लिए हम लोग seat locate कर सकते हैं, वो हमको हम लोग अभी करना चाहिए। होटल इंडस्ट्री है, टूरिज़्म है, हॉस्पिटलिटी है, अब हमारा हेल्थ केयर सेक्टर भी अभी बहुत बूमिंग है। तो ये सेक्टर्स को अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रेंटिसेस, सो दैट जो फॉर्मल ट्रेनिंग अभी किया है उसको, सो दैट दे गेट द चांस ऑफ हैविंग एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। एज फार एज अदर स्टेट्स आर कंसर्न, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, Arunachal, Tripura is also doing very well. The service sector oriented trades should be given more focus. उनके हाथों का हुनर जब काम के रूप में दिखाई देता है तो उसका लाभ इंडस्ट्री के साथ कैंडिडेट को भी होता है और इसी कला को रोजगार में तब्दील करने के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। दोस्तों, हमने देखा नैप्स से नॉर्थ ईस्ट यूथ की लाइफ में कैसे बदलाव आ रहा है, लेकिन सरकार के इस स्कीम के अलावा और किसको फायदा मिल रहा है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट। हुनर का विकास तभी होता है जब उसे निखारने का मौका मिलता है। अप्रेंटिसशिप कर रहे यूथ को सरकार आर्थिक रूप से भी मदद कर रही है। कैसे, जानते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट हुनर से चमत्कार में। केंद्र सरकार भारतवर्ष में युवाओं को कुशल बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में संशोधन करते हुए इसे इंडस्ट्री और यूथ फ्रेंडली बनाया है। अब इसमें अधिक से अधिक यूथ अपने हुनर को निखारने के लिए इस स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर कर रहे हैं। 3 साल का डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद वहाँ पे अपेंडिक्स में ट्राई किया। यहाँ पे कोड होता है, वो कोड देने के बाद यहाँ पे हम लोगों का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के दौरान मैंने यहाँ पे ये ज्वाइन किया और अभी सीख रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ 1 साल के लिए। 1 साल के बाद और ऊपर जाना है यहाँ से, और यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद और नेक्स्ट कंपनी में ट्राई करूँगा और यहाँ से और ज़्यादा, मतलब अभी जो पोजीशन है इसके ऊपर थोड़ा और पोजीशन बढ़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे, ओएनजीसी, आईओसीएल जैसी भारत सरकार के अधीन आने वाली इन कंपनियों में अप्रेंटिस की भर्ती निकलती रहती है। यहाँ पर काम को सीखने का माहौल मिलता है। आपके हुनर को निखारने के लिए खास तौर पर ट्रेनर भी होते हैं। जब आप 1 या 1.5 साल अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो उसी कंपनी में नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट के जो युवाओं को उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो रेडी करने के लिए अप्रेंटिसशिप जो स्कीम है गवर्नमेंट की, एक बहुत अच्छी योजना है। इस योजना में जो लोग डिप्लोमा करके आईटीआई से जो पास आउट करके आते हैं उनको थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो स्कीम के द्वारा हम दे सकते हैं। जो लोग इसके लिए स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पर जाके वो अप्लाई कर सकते हैं और फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो जाके पोर्टल से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो लोगों को ट्रेनिंग के लिए चूज़ कर सकते हैं। इस योजना का जो मेन जो फ़ायदा या जो बेनिफिट है लोगों के लिए वो ये है कि वो लोग जिन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज लेके वो इंडस्ट्री के लिए एकदम रेडी हो सकते हैं। उनको इमीडिएटली जो है रोज़गार जो है या नौकरी जो है वो जल्दी मिल जाएगी और वो प्रैक्टिकली उसके लिए रेडी भी होंगे। गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो इस योजना के लिए वो ये है कि इंडस्ट्री का जो भी इंडस्ट्री उनको अप्रेंटिस में रख रही है उनका जो खर्चा है उस खर्चे का 25% जो है गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को या उस कंपनी को वापस कर देती है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इस योजना में अपना जो है फाइनेंशियल सहयोग भी, मदद भी कर रही है। अप्रेंटिसशिप यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होता है अपने हुनर को निखारने का। हुनर सीखने के बाद जब नौकरी मिल जाती है तो उससे उनकी जिंदगी बदलने लगती है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि भारत सरकार की नैप स्कीम से नॉर्थ ईस्ट के यूथ को बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। ये बेनिफिट्स सिर्फ यूथ को ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जो कंपनीज अप्रेंटिस रख रहे हैं उनको भी फायदे मिल रहे हैं। देखते हैं कैसे। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत हुनर सीखने के बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर भी बढ़ सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपको ऑन फ्लोर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से आपको संबंधित इंडस्ट्री के कई पहलुओं की जानकारी हो जाती है, जिसे आप स्वरोजगार के रूप में बदल सकते हैं। जो हमारे पास अभी लोग काम कर रहे हैं वो 2 तरीके के हैं। एक अनस्किल्ड लेबर काम कर रही है, एक सेमी स्किल्ड कर रही है और एक स्किल्ड लेबर की कैटेगरी काम कर रही है। तो जितने अनस्किल्ड लोग हैं वो 10th या 12th पास होकर चले आए या कुछ उन्होंने पढ़ाई ही नहीं करी, उनको भी काम चाहिए, उनको हमने काम दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ आईटीआईज या कुछ डिप्लोमा लोग हैं जिन्होंने हमारे पास कहीं से अप्रेंटिस नहीं किया, वो आके डायरेक्ट लग गए। बट जिन्होंने कहीं ना कहीं अप्रेंटिस कर रखी है डिप्लोमा करने के बाद, तो उनका क्या है कि एक सेट ऑफ स्किल है। जैसे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो गया और थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो गया। तो आप कह सकते हो कि एक कम्प्लीमेंट्री एक है जैसे आप देखते हो हेड टेल करने के लिए तो एक सिक्का होगा तो हेड टेल दोनों होगा तभी सिक्का होगा। तो एक इसमें आप देखोगे तो उनको हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग कैसे करके देखना है, तो दे आर कम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर्स। तो वो टेक्निकल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी यहाँ पे आके ले रहे हैं। तो आपको इस सेगमेंट में हम बताएंगे हुनर से व्यापार के विभिन्न पहलुओं के बारे में। कई इंडस्ट्रीज में कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स किया जाता है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम से हुनरमंद बनने के बाद मुद्रा स्कीम जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर आप खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन की भी मदद ली जा सकती है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का फायदा केवल कैंडिडेट को ही नहीं होता है, बल्कि हुनरमंद बनाने वाली कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है। कंपनी को स्किल्ड मैन पावर मिलने से कर्मचारियों के ऊपर खर्च करने वाली कॉस्ट पर भी फर्क पड़ता है। नैप्स की जो फैसिलिटीज है वो सारे सेक्टर्स में है। पहले स्ट्रिक्ट था ऑटोमोबाइल और उसमें, अभी तो ऑटोमोबाइल क्या हॉस्पिटैलिटी सर्विस सेक्टर बीपीओ केपीओ सब जगह नैप्स है वो पूरी तरह से एक्सप्लोर कर दिया गया है। तो उससे बेनिफिट है कि इवन जब कोई अगर हॉस्पिटल है इवन कहीं होटल है तो होटल भी वो अप्रेंटिस अपने ग्रेड के हिसाब से रख सकता है ऑप्शनल ट्रेड में या दूसरे उसमें ट्रेड में। तो वो काफ़ी एक्सप्लोर हो गया है। जो पहले ये फैसिलिटी नहीं थी तो एटलीस्ट ये फैसिलिटी भी हो गई है। इवन ऑफिस वगैरह में भी जहाँ पे 40 है 40 या 40 प्लस जो मैन पावर है वहाँ पे तो ऑब्लिगेटरी हो गया है। ये 4 या 6 मैन पावर प्लस में रहता है तो वहाँ मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी बेसिस पे रहता है, बट 40 या प्लस में ऑब्लिगेटरी हो गया। तो गवर्नमेंट जैसे जैसे लोग हम अवेयर कर रहे हैं, इंडस्ट्री को जब नैप्स के बारे में बताया जा रहा है, सर्विस सेक्टर को बताया जा रहा है, तो वो एटलीस्ट उसका एडवांटेज ले रहे हैं। इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाएंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्रेंटिस जो मस्ट हो गया है और सारे गवर्नमेंट्स हो कॉरपोरेशंस हो सब जगह पे ही नैप्स है वो इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। उसके ऊपर बहुत पुराना कंसेप्ट है नैप्स जो अप्रेंटिस की बात है। तो स्किल इंडिया में भी उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि अभी तो उसके साथ में मर्जर कर दिया, नहीं तो पहले तो बड़ा ही एक डिफरेंस रहते थे कि अप्रेंटिस लाइन अलग से चलते थे और स्किल इंडिया का अलग से। तो अभी मर्जर हो गया तो मर्जर में साथ में यही है कि स्किल इंडिया में बेसिक उनको ट्रेनिंग दे दिया, उसके बाद उनको अप्रेंटिस कराया और अप्रेंटिस कराने के बाद में आगे उसको आगे इंडस्ट्री में जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जाता है। तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब लाखों लोग हैं वो थ्रू स्किल इंडिया के साथ में इनरोल्ड होते हैं, अप्रेंटिस करते हैं और सिस्टम में अपना परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है वो गेन करते हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में चले जाइए। ये स्कीम हर नजरिए से फायदेमंद है। युवाओं के पास वर्क एक्सपीरियंस होने की वजह से उन्हें काम की समझ होती है और जब वो खुद का रोजगार शुरू करते हैं तो उसमें बढ़ने में आसानी होती है। अच्छी कंपनियों के साथ जुड़ने से कामयाबी की राह आसान हो जाती है। हुनर के साथ मेहनत करने पर आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। कहते हैं अगर आप पूरी मेहनत और लगन से कोई काम करते हैं तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती। इसलिए कोई भी काम करे तो मेहनत और लगन के साथ करें। सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारा खास प्रोग्राम करियर प्रभा देखते रहिए। उम्मीद है हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड बाय। मैं सीखूं नए युग को नया